आपने कई बार अपने नए पीसी में कई सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल किए होंगे या फिर आपको कई बार कई ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ता होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि ये ड्राइवर्स होते क्या हैं और ये हमारे पीसी में इतनी जरूरी क्यों है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशांत चौधरी और आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम कोई एक नया पीसी असेंबल करते हैं यानी कि हम उसे उसके सारे पार्ट्स लगाकर खुद से असेंबल करते हैं तो हमें उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा उसे ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं। यानी कि अगर हम कोई प्रिंटर काम में लेने जाते हैं या फिर कोई और हार्डवेयर हम उसमें काम में लेने जाते हैं जैसे ड्राइव उसकी ग्राफिक या फिर कोई और हार्डवेयर तो हमें उसके अंदर उसकी ग्राफिक्स इंस्टॉल करने होते हैं। तो आखिर ये हमें क्यों करना पड़ता है? इसका सीधा सा कारण है कि हमें उन डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम वापस में कम्युनिकेट करने के लिए। मैं आपको ये डिटेल में बताऊँ कि अब ये कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास जो प्रिंटर काम में ले जाते हैं आपके पास एक विंडोज़ है, आप उस विंडोज से कोई फाइल अगर प्रिंट करना चाहते हैं यानी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आपके पास कोई फाइल है यानी कोई फोटो है आप उसे प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से प्रिंट करवा दे सकते हैं और वो उसमें प्रिंट हो जाएगा। मगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ए फोर साइज की फोटो है और आप उसे 4x6 साइज के इंच के पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ड्राइवर चाहिए होगा जो प्रिंटर को एक कमांड दे कि तुझे इस पेज को 4x6 इंच के फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो ये कैसे होता है? मान लीजिए आपके पास जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक आपका जो जिसके अंदर आपने फाइल होती है वो है और दूसरा जो आपका प्रिंटर है उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो प्रिंटर है उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मगर दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, दोनों को अलग इंसान ने लिखा है यानी दोनों की कोडिंग भी अलग होगी। तो यानी वो जो आपका पीसी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है विंडोज 7 हो 10 हो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है उसे जो प्रिंटर की उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता कि उसको हम किस तरह कमांड दे सकते हैं। उसके अंदर उसके लगभग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके मोस्ट जितने भी प्रिंटर यूजफुल होते हैं उनके सारे उसके अंदर कोड होते हैं कि उसे कैसे कमांड दे सकते हैं। मगर अगर आप पेज को 4x6 इंच में प्रिंट करना चाहते हैं तो इतनी डेप्थ में उनके पास उनके ड्राइवर्स नहीं होते इसलिए हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे मान लो दो इंसान है, एक को आती है चाइनीज और एक को आती है हिंदी, तो जो हिंदी वाला है वो चाइनीज वाले से बात नहीं कर सकता, उसके लिए उनको बीच में चाहिए हुआ एक ट्रांसलेटर। जो ड्राइवर होता है वो भी ठीक ट्रांसलेटर की तरह काम नहीं करता है यानी कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है यानी कि इसकी कोड इसको बताने का काम करता है, ये होता है ड्राइवर। आप अगर आप देखते हैं कि ड्राइवर आपको कहाँ कहाँ को मिलते हैं तो आपके जितने भी हार्डवेयर है सभी के अंदर आपको ड्राइवर मिल जाते हैं। अगर आपका पास माउस है कीबोर्ड है उसके अंदर भी आपको ड्राइवर मिलते हैं। अगर आप विंडोज में डिवाइस मैनेजर के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ पर सारे हार्डवेयर के ड्राइवर्स मिल जाएंगे, चाहे आपको जो माउस हो कीबोर्ड हो। अगर आप अपने माउस के ड्राइवर अनइंस्टॉल करते हैं तो आपका माउस वहीं पर काम करना बंद कर देता है, जैसे आप उसे अनप्लग करके फिर से प्लग करते हैं वो उसका ड्राइवर फिर से इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपके पास जितने भी चाहिए हार्डवेयर है चाहिए आपको वेब कैम है कीबोर्ड माउस जितने भी पेन ड्राइव सभी के में आपको एक ड्राइवर होता है, जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हैं यानी उसके अंदर प्लग करते हैं तो कई ड्राइवर ऐसे होते हैं जो ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं, कई सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं जो ऑटो इंस्टॉल नहीं होते, जैसे प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है वो ऑटो इंस्टॉल नहीं होता, ग्राफिक का ड्राइवर है वो वैसे तो इंस्टॉल हो जाता है मगर आप उसे अगर ठीक से वर्क करना चाहते हैं तो उसका ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होता, इन ड्राइवर को हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये है ड्राइवर्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों को बता सकता हूँ हमें पीसी में इतने ड्राइवर्स क्यों इंस्टॉल करने पड़ते हैं और इनका हमारे पीसी में क्या काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।